हाँ चलो ठीक है, मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? अच्छा, कल क्या पढ़ा? पैदल कैसे चलना चाहिए। बहुत अच्छा पढ़ाया कल। एक हमारे, मैं भी गया था एक स्कूल, उसमें बहुत छोटे बच्चे थे। मैं कहा पैदल कैसे चलना चाहिए, तो वो कुछ ज्यादा ही छोटे थे, बोले ठुमक ठुमक के। तो पैदल चलने के लिए सबसे पहले आप किस साइड देखोगे रोड पे घुसोगे जब? लेफ्ट या राइट? हाथ ऊंचा करो, लेफ्ट। हाथ ऊंचा करो, देखो कितना ऊंचा करा उसने। देखो जब अपन रोड पे अक्सर क्या चलते हैं और व्हीकल कहां चलते हैं, बाएं चलते हैं ना, तो राइट का देखोगे जब भी तो बाएं का दिखेगा ना आता हुआ, तो देखना चाहिए। पैदल चलने वाला का ध्यान रखना चाहिए। वाकई कोई तेज चलने वाला ध्यान नहीं रखते हैं। अब आ जाए एक बार पैदल वाला, देर में समझ में आती है तुम्हारे को, तालियां धीरे बजाते हो, बजा दो एक बार जोरदार। चलो शानदार तरीके से अपन शुरुआत करते हैं, उससे पहले हम लाला जी दिखाओ इनको, पोस्टर से समझाते हैं। ये देखो भाई लाइट्स होती है कितनी, कौन कौन सी लाइट्स होती है? तीन, रेड येलो। अगर कोई नहीं मानेगा तीन तो क्या हो जाएगा सीन? तुम नीचे सुन रहे थे क्या उस दिन? चलो तो फिर तुम्हारा को अलग पूछते हैं, सबसे डेंजर लाइट कौन सी? क्यों? चार सेकंड रहती है। बिल्कुल सही कही, चार सेकंड रहती है। तो चार सेकंड रहती है तो गलतियां क्या करते हैं लोग, चार सेकंड में तैयार हो जाते हैं, मैं चला जाऊंगा, दूसरा भी सोचता मैं चला जाऊंगा, फिर दोनों मिलके चले जाते हैं। फिर अपन गाना गाते हैं, जाने चले जाते हैं कहां, दुनिया से जाने वाले मिलते नहीं, पैरों के भी निशान, जाले जाने चले जाते हैं, ठीक है ना। फिर गाने और भी गाते हैं, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। तो इस एज में नहीं जाना चाहिए ना, तो हमें बड़ा रोड पे जाए तो सावधानी से जाना चाहिए, धीरे चलना चाहिए। सारी मजाक मस्ती रोड पे नहीं करनी चाहिए, करो जीवन में, लेकिन आराम से अपने जहां जगह हो वहां करो। स्टेज दी जाती है आपको कलाकारी दिखाने के लिए, ग्राउंड दिया जाता है आपको खेल दिखाने के लिए, उसमें आपको मेडल भी मिलता है, धन भी मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है। तो सही ट्रैक पे लाना चाहिए ना यूथ को अपने आप को। तो अपने मार्ग, रोड यूजेज का कल बताया मैडम ने, सही मार्ग चुनना अपने के ऊपर है, वरना तो जयपुर के हिसाब से तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। मानसरोवर में जाओ, पथ मिलेंगे आपको, ये पथ वो पथ गो पथ, इतने पथ लथपथ हो रहा है, और उन पथों पे आदमी तेज चलते हैं, कई बच्चे तो वाकई लथपथ हो जाते हैं। तो हमें लथपथ नहीं होना ना, तो रोड की मनोविज्ञान समझना पड़ेगा अपने को, कि रोड पे किस साइड से देख के चलें, है ना। ए भाई जरा देख के चलो, किधर, आगे ही नहीं पीछे भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, क्योंकि पर ये जीवन एक सर्कस है, इसमें हर किसी को ऊपर से नीचे को दाएं से बाएं को आना जाना पड़ता है, तो अपने को भी रोड के पार आना जाना पड़ता है। तो मेरी प्यारी प्यारी बिटिया, तुम जाओगी रोड पे ऐश्वर्या राय जैसी मेरी गुड़िया हो, तुझे बड़ी पसंद आई ऐश्वर्या राय, सलमान खान। लेकिन बेटा अगर वहां रोड पे देख के नहीं चले, अपन फिसल गए, गिर गए, लग गए, चेहरा स्मैश हो गया, तो कोई राय नहीं देगा ना, ऐश्वर्या राय भी विदाउट राय हो जाएगी, है ना। फिर बच्चन हो जाएगी, बचना नहीं, अभी अभी सीखा है। तो अपने को लाइट जरूर पालन करना चाहिए शहर में। तो गांव में अपन सोचते हैं लाइट नहीं है, अपन तो कहीं भी दादागिरी कर सकते हैं, पार कर देंगे। गांव में ज्यादा घातक है, जो हाईवे पड़ते हैं, जो फास्ट रोड बन गए अब तो ज्यादातर, वहां पे आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए, ठीक है।
दोनों तरफ देखना चाहिए। अपने को लगता है कि ये साइड से राइट से ही देखना चाहिए, लेकिन यहां कुछ नहीं पता कहां से क्या आ जाए। ठीक है, तो पैदल वाला का खत्म करते हैं। लाइट्स का सबसे बड़े बत्तियां कितने तरह की होती है, कौन कौन सी? ये तो लाइट्स होती हैं, बत्तियां होती हैं तीन, कौन कौन सी? लाल हरी और पीली, है ना। बत्ती तीन तरह की नहीं होती, पांच तरह की होती है। कौन कौन सी? तीन तरह की कोई बत्ती नहीं मानेगा, चौथी कौन सी है और पांचवी? वहां मेरे पांच बत्ती के शहर वालों, जोरदार ताली बजाओ। अच्छा, ये लोग आगे से आके कई इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये मेरे वीडियो देख पा रहे हैं, लेकिन अब मैं ऐसी चीज बताऊंगा जो वीडियो में भी नहीं आती। अब मैं बताता हूं कि रेड बत्ती अगर पार करेगा तो कितने का 1000 का जुर्माना, बताओ। ऐसी चीज नहीं सुनते, 5000? क्या दिल जीत लिया? 5000 का नहीं है, 1000 का ही है। 5000 का है, आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तो। लाइसेंस नहीं होता कितने का है? तो पांडू बन जाओगे। ठीक है, 5000। अच्छा, शराब पी ली किसी ने तो सोचो कितना पैसा लगना चाहिए आपका। शराब वाले से ज्यादा पैसे इसलिए लेते हैं कि शराब पीने के पैसे हैं तो जुर्माना वरण के भी हो गए। शराब पीने वाले से बेटे दुगुने लेते हैं, 10। अब मान के चलो वो नाबालिग हो रहे बच्चा, कई बार बच्चे जोश में आ जाते हैं और आज ड्रिंक कर लेते हैं, है ना, वीकेंड मनाते हैं, फिर दी एंड बनता है। अब उसका जुर्माना सुनना मेरे से कितना होगा? 25000। तो अब जोड़ो, बिना लाइसेंस 5, 10000 की दारू 15, और 25 40। ठीक है, और फिर रेड लाइट जंप करोगे 1000, वो 3 महीने तक लाइसेंस सस्पेंड, है ना, और फिर उसके बाद हेलमेट नहीं हो तो 1000 रुपए उसके, और फिर 2 घंटे की काउंसलिंग और होगी। जैसे बुलाएंगे, जैसे मुझे आपने बुलाया ना, ऐसे हम 2 घंटे के लिए आपकी पर्ची में लिख देंगे कि आपको लाइसेंस तभी इश्यू करेगा आरटीओ दोबारा, जब 2 घंटे आप सीखोगे, काउंसलिंग कराओगे। फिर हम आपको जरूर थोड़ी मेरे जैसा ही कोई वहां हंसा के पढ़ाए, वहां कहीं ऐसे पढ़ाएंगे आपको जो लाइसेंस को भी हिंदी में बोलेंगे। लाइसेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुज्ञप्ति पत्र। फिर वो धारा भी ऐसे पढ़ाएगा, धारा 184D की जगह कुछ और बोलेगा, वो हिंदी वाले शब्द, और फिर ऐसे बात करें परिशिष्ट वर्ण अवशिष्ट मंगल। और ये सोच के देखो, जैसे मैडम ने कहा आज सप्तम दिन है, तृतीय दिन ये हुआ था, ऐसा संस्कृत का विद्वान तुम्हारे ऊपर अगर कोई है ना, वो धातु वगैरह पढ़ने वाला लट लटकार वाला आ गया तो भाई साहब लठ लकार, ये तुम कहो लठ लकार ही ठीक है। तो बेटे देखो, हंसते हंसते अपन ने क्या समझा, लाइट्स का फंक्शन है। लाइट्स में फिर मैं कह रहा हूं, पीली लाइट में ना खुद कभी व्हीकल लेके जाओ, ना जिस व्हीकल में आप बैठे हो उसको प्रोत्साहित करो, और इसमें अंदर कोई घुसा तो रेड लाइट पार कर जंप माना जाएगा। ठीक है, तो उसके 1000 का तो जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड होगा। वो प्रक्रिया भी थोड़ी जटिल है। लाइसेंस सस्पेंड हो गया तो 3 महीने तक एक पर्ची बना के दे देंगे आपको पिंक। ठीक है, फिर वो कोर्ट वोट में अगर उस समय नहीं भरा तो कोर्टों में जाओ, फिर अपने संबंधित आरटीओ से जहां से बना है वहां से लिखवा के लाओ, या फिर आप मान लो और प्रदेश के हो तो वहीं भेज देंगे आपका। दिक्कत उस पर दिक्कत है, तो अपने एक छोटी सी दिक्कत उसमें क्यों परेशान हो। हमारी टीम आ गई है, जोरदार ताड़ियां बजाओ प्रेम भाई के लिए। सेकंड देखो, अपन हेलमेट है बेटे, हेलमेट कैसा होना चाहिए बताओ। क्या बात कही है, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो यार। आईएसआई और बीआईएस को जानते हो क्या होता है? आईएसआई का ही नाम बदल के 1986 में क्या कर दिया, बीआईएस, बीएसआई नहीं है ना, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पता नहीं क्या बन गया, तो कुछ और बना दिया तूने। ठीक है भाई बेटा, बीआईएस का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ
इंडियन स्टैंडर्ड की चीज बनती है, जो आईएसआई भी ऐसी बनाती थी चीजें। हाँ कोई बात नहीं, डिस्टर्ब मत हो, अजय सर कर लेंगे वो अपना, बैठ जाएंगे बच्चियां। आप इधर आ जाओ ना सर, इतनी दूर क्यों बैठे हो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जगदीश जी है ना सर आपका नाम, अरे वाह, जोता ताली बजाओ हम जय जगदीश। तो लेट मी फिनिश, हेलमेट किसको करना चाहिए, कल हमने समझा क्या है कि पुलिस कर्मी भी कई बार भूल चूक से हेलमेट नहीं पहनते, तो फिर वीडियो में आ जाते हैं या कहीं भी आ जाते हैं तो अच्छा थोड़ा लगता है। तो हम अपने स्टाफ को भी समझाते हैं, ऐसा नहीं है, सबको समझाते हैं और सबको लगानी चाहिए, क्योंकि सबकी जिंदगी पुलिस वाले का सर लोहे का थोड़ी है। भाई फोर्स में काम कर लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है बहुत मजबूत हो गए, गिर गए तो सर तो वही है, मसल कितनी भी मजबूत हो। कोई कहते हैं मैं तो पहलवान हूं, बाद में पहलवानी निकल जाती सारी। तो हेलमेट क्यों जरूरी है, सर का सीपीयू है ये, ठीक है, कंप्यूटर में सीपीयू खराब हो गया तो पूरी बॉडी क्या आवाज आएगी। तो हेलमेट जरूरी है और उसकी स्ट्रिप भी बहुत जरूरी है, कहीं नहीं लगाते तो इसका मतलब आप विदाउट हेलमेट हो, और हेलमेट की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, आप कहीं भी ले लोगे, सस्ता ले लो, है ना। तो कहते ना सस्ता रोए बार बार, वो अकेला नहीं रोए उसकी फैमिली भी रोती है हेलमेट ले ले तो। तो हमें को हेलमेट थोड़ा सा महंगा लेना चाहिए ताकि उसका शीशा साफ रहे हमेशा, उसकी स्ट्रिप मजबूत रहे, उसका मटेरियल भी ऐसा हो कि चौथी मंजिल से गिरा दो तो लगे नहीं। अच्छा कितनी उम्र में लग जाता है हेलमेट, क्या बात है, चार का फिगर बहुत तगड़ा होता है, जैसे चार सेकंड जलती है पीली लाइट, वो इसलिए जलती है कि इसमें घुसोगे तो मरोगे, फिर चार भाई आएंगे कंधे पे उठाएंगे, फिर घुमा के लाएंगे और बढ़िया बढ़िया आवाजें करेंगे, आपको बचपन की सी आवाजें आएंगी, ठीक है, ऐसी आवाजें नहीं आनी चाहिए ना। तो हेलमेट लगाने का सही तरीका क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, यहां कंगन बना लेते हैं, कई बाजूबंद बना लेते हैं, कई तो बाइक का शीशे भी टांग देते हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि मेरी फोटो पे भी ऐसे हार चढ़ाना, ऐसे नहीं चढ़ाना ना। तो ये बात, तू और दूर चले जा बेटे, तू तो आया ही इसलिए। अरे दूर से क्या दिखेगा मेरा बाप, तो थोड़ा जूम कर ले नजदीक आ जा, बीच में आ जा। ये तो असली क्या नाम है तेरा, तू क्यों बेइज्जती करवाना, ज्यादा नाम बता, ढंग का बना। चलो अब और बात करते हैं अपन शराब की, शराब कोई पिए तो उसकी गाड़ी में नहीं बैठोगे ना, क्यों नहीं बैठोगे, लहरा के तू रूबरू, वो मौत को बुलाता है, लहरा के तू जल्दी आ जा, है ना, फिर गाना गाएंगे लोग जाने नहीं। अच्छा वो ऊसा उतू थी ना पुरानी डार्लिंग, ऐसा लगता है सारे गाने उन रोड सेफ्टी के लिए लिखा, नाका बंद ही आर यू रेडी, चालान भरने के लिए उसको सारे गाने ही ऐसे ही है डार्लिंग, अब तो मुझको चालान करने दो, रोको ना ठोको ना, ये तेजी तो बहाना है चालान तेरा कटवाना, बहुत शानदार है। तो शराब नहीं पीनी, क्यों नहीं पीनी बेटे, क्योंकि ये एज ऐसी है कि अपनी पढ़ाई के अलावा अपने को अच्छी अच्छी चीजें पीनी है जो समाज में आपका चरित्र का निर्माण करेंगी, क्योंकि जिसने पी शराब ना उबरा जिंदगानी में, हजारों बह गए बोतल के बंद पानी में, बीच में खड़ा हो जा। अच्छा बेटे मत करो इतनी मस्ती, जिंदगी नहीं है सस्ती, ठीक है। बेटे देखो इसको बैठा लो बेचारे गरीब को, या पीछे वाले को दे दे तू फ्री हो जा, जा सिमरन।